मैं नया लैंग्वेज सीखने शुरू करता हूँ तो पहले जो बेसिक्स है मैं फटाफट 6 महीने में कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ना। इफ आई स्टार्ट लर्निंग जापानीज़, मैं थोड़ी वो 15 साल बिताऊंगा, मैं तो 6 महीने में बेसिक कर लूंगा और देन आई मूव टू द यूज ऑफ लैंग्वेज ना, वही होना चाहिए अपने साथ। सो फॉर ऑल ऑफ अस लाइक हु आर डूइंग समथिंग एल्स एंड देन ट्राइंग टू फॉलो म्यूजिक, उनका तरीका ये होना चाहिए कि फटाफट ये वो जो हाउ का पार्ट है वो फटाक से एक लेवल पे लेके आओ एंड देन जो वॉट करना है वो इस तरीके से करो, एडल्ट्स के तरीके से, बच्चों के तरीके से मत। वही पद सा धप गे सा कैसे आएगा, ये सिखाया ना। एक्सप्रेशन रहा ना भूक का, जो फ्रेजिंग है वैसे ही वही बंदिश, तो बंदिश है, बंदिश इज नथिंग बट वो भूक का पूरा एसेंस तो आना चाहिए। दा दा ना ना दा ना दा ना दा दा ता ना। अभी इसका नोटेशन देखने ग रे ग द र द द द, सो सिखाया कैसे जाएगा वो तुमने। जब से तुम जब से उसका मीनिंग है ना, तो आपको भी अगर वही नोटेशन देखे वही पद सा ध प ग रे सा रे ग कराए तो आप इट्स नॉट करेक्ट।
So manner, see manner, because you are adults, you have to, you know, strive at getting to the manner at a higher level, then that's what I'm trying to say. So manner mein aapko ye catch karna zaruri hai. तो ये समझ में आ गया, अलग है। और ये मूवमेंट प्रैक्टिस करना है ना, तो हाँ मूवमेंट में वो हाथी जैसा चलना चाहिए, हिरन जैसा भागता नहीं है। सो बंदिश भी ऐसे है कि वो उसका टेम्पो है। अभी इसी को अगर मैं जब द्रुत कुछ बजाना है तो अलग बात बन जाएगा फिर। समझ के बजा तान भूख का एलिमेंट रखा है, द्रुत लय में भी दिख रहा है तान।